आज मैं सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। जा रही हूँ मैं कान्हा जी के लिए सूजी का हलवा बनाने के लिए, और पटल और आलू का सब्जी बनेगा। आलू उबाल कर मैं बनाने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं। ये मैं कान्हा जी के लिए दूध उबाल रही हूँ। उनको पहले दूध का भोग लगाऊंगी, सुबह का पूजा हो गया है, और उसके बाद मैं जा रही हूँ सूजी का हलवा बनाने के लिए। कढ़ाई गर्म कर ली हूँ, मैं पटल काट के रख दी हूँ, और ये देखिए आलू उबाल के रख दी हूँ, और ये मैं देखिए इसमें जा रही हूँ यहाँ पर पटल डालकर भूनने के लिए। पहले पटल को तेल में भून लूँगी। पटल और आलू का सब्जी जब आलू उबाल के बनता है तो बहुत ही टेस्टी बनती है, बच्चे लोग भी खा लेते हैं। मैं इसमें रिफाइंड डाल दी हूँ, अब मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ, और इसे लाल करके मैं भून लूँगी। मैं सुबह में पूजा कर ली हूँ, उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और सब्जी बना रही हूँ। जब तक मैं कान्हा जी को भोग बनाती हूँ तब तक कोई लहसुन प्याज काटती नहीं हूँ। जब भोग बना लेती हूँ तब लहसुन प्याज काटती हूँ, और लहसुन प्याज जब भी काटती हूँ तो सर्फ से हाथ धो लेती हूँ। इसी तरह शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। और चलिए देखिए मैं कपड़ा उतारने वाला भी अलग अलग रखती हूँ। देखिए एक तरफ मैं पटल भून रही हूँ, और ये देखिए इसका उतारने का कपड़ा अलग है। और देखिए एक गैस पर मैं सूजी भून रही हूँ, ये देखिए लाल हो चुका है। और देखिए इसे उतारने के लिए मैं अलग से शुद्ध कपड़ा रखती हूँ। ये शुद्धता का ख्याल रखा जाता है तब भोग बनता है। इसमें मैं पानी डाल दी हूँ, भून गया है ये, और इसमें चीनी भी ऐड कर दूंगी। जरूरी नहीं है कि बहुत सारा डिश बनाकर भगवान को भोग लगाया जाए, आप कुछ भी शुद्धता से रखें। और कोई भी चीज़ बनाकर जैसे सूजी झटपट बन जाता है, कभी बेसन का हलवा हुआ वो भी झटपट बन जाता है। इस तरह से बनाकर कान्हा जी को भोग लगा दे, दूध का और हलवा का इस तरह से भोग लगा सकते हैं आप लोग। देखिए आलू और पटल को मैं भून ली, पहले पटल भून ली उसके बाद आलू डाल दी हूँ, और इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। देखिए मैं अब भोग लगाने जा रही हूँ, हलवा और ये दूध का भोग। पटल आलू को भूनकर मैं निकाल ली हूँ, अब जा रही हूँ। तेल गर्म हो गया है, इसमें पंचफोरन मैं डाली हूँ, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। इसे लाल होने तक भूनूंगी, उसके बाद देखिए सारे मसाले मैं डालूंगी। ये धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, ये हल्दी, ये गोलकी जीरा पाउडर, और ये देखिए ये लहसुन का पाउडर मैं बनाकर रखती हूँ। ये सब डालूंगी और नमक डालकर भून लूंगी। जैसा मसाला लोग खाते हैं उस तरह से डालूंगी मैं। एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इस तरह करके मैं डाल लूँगी। चलिए डालती हूँ, तब आपसे मिलती हूँ। देखिए मैं प्याज को भून ले रही हूँ। देखिए ये लहसुन पाउडर मैं डाल रही हूँ, ये धनिया का पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, जैसा लोग खाते हैं तीखा कम या ज़्यादा वैसे डाल सकते हैं, ये हल्दी पाउडर,
एक गोलकी जीरा पाउडर और पानी में डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से भून लूंगी। जितना मसाला भूनेगा उतना ही सब्जी टेस्टी बनेगी। और ये देखिए नमक स्वाद अनुसार, देखिए मसाला आधा भून गया है। अब मैं इसमें एक टमाटर काट कर डाल दूंगी। आलू पटल के सब्जी में टमाटर डालना जरूरी होता है, इससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। इसे मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। देखिए मैं इसमें आलू और पटल भुना हुआ डाल दी हूँ। अब थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे मसाले के साथ थोड़ा देर भून लूंगी। थोड़ा देर मैं भून लूंगी तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसे थोड़ा ढक देती हूँ। आज मेरे बाल में तेल लगा हुआ है, सुबह में सिर में बहुत दर्द था इसलिए मैं तेल लगाई हूँ और बाल धोऊंगी कल। अभी आलू पटल का सब्जी बन रहा है और उसके आगे मैं जा रही हूँ आटा सान लूँ, उसके बाद रोटी बनाऊंगी, आज का नाश्ता बन जाएगा। देखिए सब्जी बनकर तैयार हो गया है। भूनने के बाद पानी डाल दी थी और जैसा भी आपको रखना है सुखा कर या थोड़ा रसदार वैसे आप रख सकते हैं। ये आलू पटल का सब्जी बहुत ही टेस्टी बन जाता है इस तरह से, आप लोग भी ट्राई करें। लोग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, नाश्ता बन गया है, सभी लोग नाश्ता कर लिए हैं और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।